हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम एडीए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एमपीपीएससी 2015 के में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रिक्रूटमेंट 2013 में आया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हमने हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ नया डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इन प्लांट सेल द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन। तो दोस्तों, इसका ये मतलब पूछ रहा है कि जो प्लांट सेल में जो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है? डी, राइबोसोम में होता है। कहाँ ऊपर होता है? राइबोसोम पर होता है। कहाँ पर दोस्तों? राइबोसोम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज। क्रेब्स साइकिल किसको बोलते हैं दोस्तों? टीसीए साइकिल को। किसको बोलते हैं दोस्तों? टीसीए साइकिल को बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, और आल्सो कॉल्ड एज टीसीए साइकिल। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सी थ्री प्लांट। दोस्तों, सी थ्री प्लांट में कौन सा है? वीट जो है सी आंसर। वीट जो है सी थ्री प्लांट है, जबकि मेज, सोरगम एंड सुगर केन, ये तीनों कैसे हैं दोस्तों? सी फोर प्लांट हैं। मेज, सोरगम एंड सुगर केन कैसे हैं दोस्तों? सी फोर प्लांट हैं। डार्क पीरियड इज क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ प्लांट। तो दोस्तों, जो डार्क पीरियड की बात कर रहा है कि डार्क पीरियड इज क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ प्लांट। तो दोस्तों, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल एंड ऑल ऑफ द। तो शॉर्ट डे में तो दोस्तों अपन को शॉर्ट डे चाहिए होता है, लेकिन इसमें नाइट जो है बहुत लंबा जरूरत पड़ता है। और लॉन्ग डे में क्या होता है? डे लॉन्ग होता है, नाइट छोटा है। तो क्रिटिकल किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? ए। किसके लिए हो जाएगा? ए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए जो डार्क पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है। अगर उनको लॉन्ग नाइट नहीं मिलेगा तो उनमें फ्लावरिंग फ्लावरिंग नहीं होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और एपीपी क्या होता है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी कंडीशंस में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा होता है? तो दोस्तों, ये क्या होता है? जब एपीपी इज इंक्रीजिंग, कब होता है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। जब ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ता है तब मार्जिन हमारा क्या क्या होता है? बढ़ता है। तो मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ता है तब ये कंडीशंस बनती है। याद रखिए दोस्तों, जब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ेगा तभी तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, तभी तो हमको उससे फायदा होगा। कॉन्स्टेंट पर हमें कुछ नहीं होगा, डिक्रीज पर हमें नुकसान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी केम इंटू एग्जिस्टिंग। तो दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, तो ये दोस्तों 1973 में आई थी। कब? 1973। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ईयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कम इंटू एग्जिस्टिंग, मतलब कब ये स्थापित हुई थी? तो 1973। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड एज ए डबल एज नाइप। क्या बोलते हैं दोस्तों? डबल एज नाइप। तो डबल एज नाइफ का मीनिंग होता है क्रेडिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेडिट। तो क्रेडिट किस बोलते हैं? डबल एज नाइफ को बोलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल वेल्थ। तो दोस्तों, जो नेचुरल वेल्थ है, प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल वेल्थ, तो नेचुरल वेल्थ कब प्रोटेक्ट होती है? प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट यूनिट, वेयर हाउसिंग यूनिट में, मार्केट में। तो दोस्तों, हम वेयर हाउस में ही तो किसी चीज का स्टोर करते हैं, इट में भी कुछ भी हो, तो वेयर हाउस इज द क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल वेल्थ। क्या है दोस्तों? प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल वेल्थ। याद रखिए दोस्तों, वेयर हाउसिंग में है, बाकी किसी में हम इतना बल्क में इतना नेचुरल वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते, जैसे अनाज वगैरह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO प्रोविजन
एक्सपोर्ट सब्सिडीज इज डेस्ट फॉर इंडिया। तो दोस्तों कैसी है ये एडवांटेजियस है, कैसी दोस्तों फायदे वाली है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक कब स्थापित हुआ था ये 1995 में, 1995 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको याद रखिए 1995, 1995। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड। तो दोस्तों ये क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज इनिशिएटेड। तो दोस्तों जो कोऑपरेटिव था जो कब इनिशिएटेड किया गया इंडिया में इन सभी में से, तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो था दोस्तों वो कैसा था, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया जो था, कोऑपरेटिव मूवमेंट था, कैसा था दोस्तों, एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ होम। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब फिक्स करता है, किसके रिकमेंडेशन के बाद वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फिक्स करता है, कब करता है दोस्तों। तो ये होता है क्या दोस्तों, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस जो होता है दोस्तों, ये कमीशन जब ये इसका रिकमेंडेशन को पास कर देता है तभी MSP इसको पास हो पाता है। तो इसका क्या है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 12 नंबर पे, वेयर प्राइस हैज राइजन एंड क्वांटिटी एक्सचेंज हैज इंक्रीज्ड इट इज लाइकली दैट। तो दोस्तों जब क्या होगा कि प्राइस बढ़ रही है एंड क्वांटिटी एक्सचेंज है ना, क्वांटिटी एक्सचेंज इंक्रीज, और वो क्या है, क्वांटिटी एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है। तो इट इज लाइकली दैट, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो रहा है, मीन्स जब प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी एक्सचेंज भी बढ़ रहा है, तो यह डिमांड हैज डिक्रीज, इसका मीनिंग क्या है, डिमांड हैज डिक्रीज। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इस इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को पढ़ना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सभी पार्ट से कवर किया है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं हम उन सबका PDF और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपना मेल आईडी सेंड कर दें तो हम आप डायरेक्ट मेल पर PDF प्रोवाइड करवा देंगे विद आंसर शीट के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन इकोनॉमी इज। तो दोस्तों जो मेजर कॉस्ट है क्या है, तो वेगेज है, क्या है, मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेगेज। तो दोस्तों ये वेगेज आजकल बहुत महंगा हो गया है, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजुअली कंसीडर टू बी। तो दोस्तों जो तीन फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देखो दोस्तों एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर लैंड है तो उसको करने के लिए लेबर चाहिए और लेबर के लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो ये तीन फैक्टर हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, लैंड लेबर एंड कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। तो दोस्तों वो इन इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया में एक्सटेंशन के फादर कौन है। तो इसका सही आंसर है डी, JC लिगेंस है, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, JC लिगेंस। याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है JC लिगेंस, और शेयर कर दिया इसको और इसको सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए दोस्तों, और आप पूरा वीडियो देखिए दोस्तों बहुत सीखने को मिलेगा। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इज, वर्क इज।
तो दोस्तों बेसिक यूनिट कौन सी है, एक्सटेंशन कहाँ पे शुरू होता है? एक सिंगल आदमी पर तो एक्सटेंशन होगा नहीं दोस्तों, तो इंडिविजुअल तो ये सब बेकार है। जब इंडिविजुअल पर्सन रहेगा तो किस चीज किसके लिए एक्सटेंशन करेगा, किसको बताएगा? तो दोस्तों फैमिली इज अ बेसिक यूनिट, फैमिली इज अ बेसिक यूनिट जिसमें कुछ पर्सन होते हैं जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन। तो 17वां क्वेश्चन है, एन एक्सटेंशन मेथड दैट कैन बी कंसीडर्ड बोथ स्पोकन एंड विजुअल। तो दोस्तों आपने देखा होगा पोस्टर में हम सिर्फ देख सकते हैं, हम पोस्टर हमसे बोल नहीं सकता है, रेडियो में हम लोग देख नहीं सकते हैं, रेडियो सिर्फ बोलता है। कैंपेजिन, तो दोस्तों ये क्या अभियान है कैंपेजिन, तो इसमें क्या है दोस्तों, कैंपेजिन में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा एक अभियान होते हैं, तो ये इसमें लोग बोलते भी हैं और एक यही इसका सही आंसर है। क्या दोस्तों कैंपेजिन इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट केवी के वाज एस्टेब्लिश्ड एट, दोस्तों सबसे पहले जो केवी के पांडिचेरी में बना था याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन इज ऑडियो विजुअल एड, बहुत सिंपल है दोस्तों, एवरी वन इज नो दिस, ऑडियो है और विजुअल है। तो दोस्तों ये तो ड्रामा है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, ड्रामा। हाइड्रोसाइनाइड HCN और हाइड्रोसाइन जो होता है टॉक्सिटी इज रिलेटेड टू, दोस्तों ये हाइड्रोसाइनाइड नहीं है, हाइड्रोसाइनिक जो एसिड्स जो होते हैं इसमें तो किसमें पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, ज्वारा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, ज्वारा पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है लेकिन इसकी जो क्वांटिटी बहुत कम होती है। फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजर सेंटर अंडर आत्मा ऑपरेट एट, तो दोस्तों आपको जो पता है फार्मर्स इंफॉर्मेशन है जो आत्मा के वो ब्लॉक लेवल पर वर्क करते हैं, किस पे ब्लॉक लेवल पर वर्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिए, ये ब्लॉक लेवल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग मास कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों मास कॉन्टेक्ट मीन्स सबसे ज्यादा लोगों में हम कम्युनिकेशन कर सकें, तो ऐसा कौन सी जगह होती है, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। फार्म एंड होम विजिट में क्या होगा, अगर घर जाएंगे तो 10 लोग दो चार लोगों से बात होगी, फार्म में भी बुलेटिन से दोस्तों हम लोग कितने लोगों को बता सकते हैं एक साथ में, कोई बुलेटिन कब पढ़ रहा है, कोई कभी पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं है। कॉन्फ्रेंस में भी हम सारे 200-300 हजार लोग, इससे ज्यादा कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं होते हैं, लेकिन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो कृषि मेले होते हैं, बड़े बड़े कृषि मेला होते हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, जैसे अभी जो IRI में हुआ था एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको बताया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो वी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो दोस्तों जो CDP बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सिंपल इस तरह के क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही निंदनीय बात है कि CDP जो कब स्टार्ट हुआ था, इससे वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए 1952। तो दोस्तों CDP कब शुरू हुआ था, 1952 में CDP शुरू हुआ था, और इसको याद रखिए, द टर्म फिलोसोफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो दोस्तों जो फिलोसोफी है ऐसा लगता है कि लैटिन वर्ड है, लेकिन प्लीज इसको याद रखिए क्योंकि लॉजी मोस्ट ऑफ ग्रीक वर्ड होते हैं, फिलोसोफी ऐसा लगता है कि लैटिन वर्ड है लेकिन ये कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, कैसा दोस्तों, ग्रीक वर्ड है, याद रखिए। हुज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, तो दोस्तों जो बाहरी प्रेसिडेंट ऑक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट कौन होता है ICAR का, तो जो होता है दोस्तों यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं ना एग्रीकल्चर के, देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर के जो होते हैं यूनियन मिनिस्टर, वही इसके एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द एरिया ऑफ कल्टिवेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में क्या होता है, राइस कल्टीवेशन होता है, क्या है दोस्तों, राइस कल्टीवेशन होता है। तो दोस्तों इसका ये आंसर करेक्ट है, सेकंड वीट है, एंड
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मेजर क्रॉप्स के एरियल प्रोडक्शंस मालूम होना चाहिए। और दोस्तों देखो, बहुत छोटे छोटे बस सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब हमें नहीं पता होता है तो यही क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस इज अ स्टेबल फूड फॉर मोर देन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों यहाँ विश्व की बात हो रही है कि विश्व में कितने लोगों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल है। तो दोस्तों जो आंकड़ा है 60% वाला, जो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन क्या खाती है दोस्तों, चावल खाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो दोस्तों टी है, एवरी वन इज नो हम चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप, कैश है देखो, कैच और कैश दोनों फर्क होता है दोस्तों। कैश में हम हार्ड मनी जो कमाने के लिए क्रॉप करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ डायरेक्ट बेचना होता है, उसमें हम घर के लिए यूज नहीं करते हैं, ऐसी क्रॉप को हम कैश क्रॉप बोलते हैं। तो ग्राउंड नट दोस्तों जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि मूंगफलियों को डायरेक्ट बेचने के लिए करते हैं। तो ये इज द करेक्ट आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज लार्जली नोटेड इन। तो दोस्तों जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट देखा गया सबसे ज्यादा, तो ये किस में देखा गया, तो दोस्तों इसका सी आंसर है, वीट एंड राइस। तो दोस्तों जो चावल और गेहूं में जो सबसे ज्यादा देखा गया था किसमें, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था दोस्तों, 1964 एंड 5, 1964 एंड 5 में, 1964 एंड 65 में ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा गया था। तो दोस्तों याद रखिए, ईयर भी पूछ लेते हैं लोग। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया दोस्तों सुंडा का पहला जो है पॉइंट यही है, सुंडा जो बुक है उसका पहला पॉइंट है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया तो 328 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों। आप या इसको याद रख लीजिए, बहुत सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेष प्रोड्यूसर्स लार्जेस्ट पिजन पी इन इंडिया। दोस्तों आपको पता है पिजन पी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पिजन पी अरहर मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस इज लोकेटेड। दोस्तों सबको मालूम है ये भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट सोइल साइंस का। और जो है दोस्तों एक और है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो इम्प्लीमेंट्स है उसका भी भोपाल में है। विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेन क्रॉप क्या है, तो दोस्तों इसमें ग्रेन क्रॉप के बारे में जो बात हुई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वीट है। क्या है दोस्तों, वीट है सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रेन क्रॉप है, क्या है दोस्तों, वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द फेलर ऑफ मेन क्रॉप। तो एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय द प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन ने जो सबसे ज्यादा, मतलब प्लानिंग कमीशन ने कितने पार्टों में इंडिया को डिवाइड किया था, तो इसमें कितना दोस्तों, बी ऑप्शन है 15 पार्ट्स में, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स उन्होंने बनाए प्लानिंग कमीशन ने। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द फेलर ऑफ मेन क्रॉप इज कॉल्ड एज। दोस्तों देखो, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप यहाँ पर बात हो रही है कैच क्रॉप की, और वहां पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप जो होता है जो हार्ड मनी अर्न करने के लिए बोई जाती है, जबकि जो कैच क्रॉप होता है जो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट, जैसे हमारी कोई फसल फेल हो गई तो उसमें हमारे जो हमने भी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले थे उसको कैच करने के लिए जो क्रॉप ग्रो की जाती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, फास्ट ग्रोविंग होती है, तो ऐसी क्रॉप को क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फैक्टर टू कन्वर्ट परसेंट फॉस्फोरस टू परसेंट P2O5 इज। तो दोस्तों इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 2.29 है। कितना है दोस्तों, 2.29 है, सी ऑप्शन है।
2.29 है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों 2.29 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आप हर किसी के कमेंट का जरूर आंसर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे बने रहिए और देखते रहिए, और दोस्तों अपने अंदर एक एनर्जी डेवलप करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और एक पेशेंस डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने चार क्वेश्चन देख लिए बाकी कल देखेंगे, कल आप उसको दो बार देख सकते हैं, तीन बार देख सकते हैं, जितनी बार देखो कंसेप्ट उतनी बार क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन मोनोक्रॉपिंग। दोस्तों सिंगल क्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी 100%, जब इंटेंसिटी क्या है, जब क्रॉप ही नहीं है उसमें, तो सिंगल में क्या होगा दोस्तों 100%। अगर चार होते तो हम सोचते उसके हिसाब से 40% 45% कितना है, लेकिन जब एक ही क्रॉप है तो इंटेंसिटी कितनी है उसकी, एक मीन 100%। इफ सोयाबीन इज प्लांटेड इन 30 cm × 10 cm, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स यू विल फाउंड इन 1 हेक्टेयर। तो दोस्तों आपको जो मालूम है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू होता है कि एरिया बटे स्पेसिंग, क्या होता है दोस्तों एरिया बटे स्पेसिंग। तो एरिया कितना होगा 10,000, और ये दोस्तों क्या है 30 × 10 / 10, तो ये सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों या तो आप उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और इसका जो आंसर आएगा 3,33,333 जो है बी आंसर, तो ये ही इसका आंसर है दोस्तों, आप याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई एनुअल क्रॉप। बाई एनुअल क्या होता है दोस्तों, एनुअल मीन्स जो क्रॉप का लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो रहा है, बाई एनुअल मीन्स जिसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो सीजन चाहिए। कितने दोस्त, दो सीजन ना कि दो साल, दो सीजन मीन्स जैसे मान लो कि हमने अगर जुलाई में बोई तो पूरा बरसात ले लेगा और ठंड ले लेगा, तो ये लगभग 6-7 महीने तक जो उनका रहता है, तो इसको बोलते हैं बायएनुअल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैस्टर है, कैसा पेड़ भी एक सीजन में आता है, टोबैको भी एक सीजन में आता है, शुगर बीट भी एक सीजन आता है, लेकिन कैस्टर लोग दोस्तों लगभग इसको 7-8-9 महीने तक जरूरत पड़ती है इसको प्रॉपर हार्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेगुम क्रॉप ट्रीटेड एज ए ऑल सीड क्रॉप इज। तो दोस्तों जब आपको पता है चिकपी तो ऑल सीड क्रॉप होती नहीं है, ग्राउंडनट लेगुम क्रॉप है, तो वी इज द करेक्ट आंसर, जो ग्राउंडनट मेजर ऑल सीड क्रॉप है लेकिन लेगुमनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजन पी इज कॉमनली नोन एज। पिजन पी अरहर रेड ग्राम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, अरहर रेड ग्राम बोलते हैं, बंगाल ग्राम चने को बोलते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द को बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए, PBW 343 इज द वैरायटी ऑफ वीट की वैरायटी है दोस्तों, किसकी वैरायटी है, ये वीट की वैरायटी है, आप याद रखिए इसको, ये वीट की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर कल्टीवेशन इज डन फॉर। तो दोस्तों काउंटर कल्टीवेशन क्यों करते हैं, तो सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें जो आंसर दिया न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन के लिए तो नहीं करते हैं दोस्तों, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए करते हैं। लेकिन आप इसमें कैसे याद रखेंगे इसको काउंटर कंजर्वेशन, तो देखिए दोस्तों पहाड़ों में, पहाड़ों को काट काट के छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, लंबे और छोटे खेत होते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक तो मिट्टी का कटाव ना हो, इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी कटाव ना हो, और सब पानी का भी अच्छे से कंजर्व हो जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मैक्सिमम एरिया ऑफ उरद बीन क्रॉप इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो उरद बीन का जो मैक्सिमम एरिया है तो कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। आपको मालूम है कि सारे पल्स क्रॉप मोस्ट ऑफ कहाँ पर ज्यादा होता है, एमपी में होता है दोस्तों, तो याद रखिए। नेशनल सेंटर फॉर वीड, तो वीड के लिए आपको पता है घास का खरपतवार का कहाँ पर है दोस्तों, अपना जबलपुर में है, और देखो लुधियाना में सीपेट है, है? दिल्ली में IRI है और ICR है, हैदराबाद में दो दोस्तों 3-4 हैं, एक तो मैनेज है, नार्म है, तो ये हैदराबाद में है, जबलपुर में वीड का है और फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर है। तो दोस्तों याद रखिए, आप लोगों को भूलना नहीं है, आप एक एक शब्द को सुनिए, और दोस्तों जिनमें डाउट है उसे आपको कमेंट कर उसमें कमेंट करके बता दीजिए। अंकुर अलंकार गौरव आर्दा
इम्पोर्टेंट वैरायटी हो। तो दोस्तों अंकुर अलंकार एंड गौरव जो दोस्तों किसकी वैरायटी है, सोयाबीन की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है दोस्तों, सोयाबीन की वैरायटी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओट वैरायटी, तो ओट की कौन सी वैरायटी है दोस्तों, कैंट इज ओट वैरायटी। कौन सी दोस्तों, कैंट, बाकी सब वीट की वैरायटी है दोस्तों, तो याद रखिए कैंट इज ओट वैरायटी। टॉक्सिक सब्सटेंस इन लेथारस इज, तो दोस्तों लेथारस में क्या होता है, ओडीपीए होता है, ओडीएपी होता है, क्या दोस्तों ये होता है ऑक्सिल डाइअमीनो प्रोपियोनिक एसिड। क्या है दोस्तों, ऑक्सिल डाइअमीनो प्रोपियोनिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों, लिख लीजिए, पेन ले लीजिए दोस्तों, पॉज करके इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, ऑक्सिल डाइअमीनो डाइअमीनो प्रोपियोनिक एसिड, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 112 सेंटीमीटर दोस्तों, आपको मालूम है कि एवरेज रेनफॉल इंडिया कितना है दोस्तों, 112 सेंटीमीटर है, और हमारे मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है दोस्तों, 1194 mm है, कितना दोस्तों, 1194 mm है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रेनफॉल ऑब्टेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, तो दोस्तों हमारे देश में मोस्ट ऑफ बारिश साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग सच में ध्यान से पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि साउथ वेस्ट मानसून से ही 80% बारिश होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू सफर फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड कोल्ड, तो दोस्तों कौन सी क्रॉप, इसमें क्रॉप है जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती है, किससे, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड से, तो दोस्तों लिंसी नहीं होता है, वीट नहीं होता है, बार्ली नहीं होता है, तो इसमें मेन कौन सा दोस्तों, रेपसीड एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ मिथेन गैस इन इंडिया, तो दोस्तों आपको पता है कि राइस के फील्ड से मिथेन निकलती है, इसलिए राइस मिथेन का मेन सोर्स राइस फील्ड है। पिक द बेनिफिशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो आयरन तो नहीं होता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो कोबाल्ट इज द बेनिफिशियल एलिमेंट, क्या है दोस्तों, कोबाल्ट, कोबाल्ट है, इसके साथ एल्यूमिनियम है, सोडियम है, सेलेनियम है, लिख लिए दोस्तों बेनिफिशियल एलिमेंट के नाम, लिख लिए, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, सेलेनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ सकते हैं, कहीं भी पूछ जा सकते हैं। देखो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को बहुत फोकस से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज एक्सप्रेस्ड एज, तो दोस्तों जो बल्क डेंसिटी है उसको कैसा है, उसका यूनिट क्या है, तो दोस्तों मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों केजी केजी में नहीं होता है, और इसको मिलीग्राम है लेकिन पर मीटर क्यूब है। इन एसिडिक सोइल फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन विच फॉर्म, तो दोस्तों अगर एसिडिक सोइल की बात करते हैं तो एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन ज्यादा ही ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन है तो H2PO4 बन जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों को ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको समझ जाएंगे कि एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं एसिड्स में, क्योंकि एसिडिटी हाइड्रोजन पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर सो द लग्जरी कंजप्शन इन प्लांट, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से मालूम है, कुछ लोग नाइट्रोजन के बारे में सोच रहे हैं, दैट वन इज द रॉन्ग आंसर, नाइट्रोजन नहीं होता है, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, सी लग्जरी कंजप्शन सबसे किसका होता है, पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट P2O5 इज कंटेंट इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, दोस्तों ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की बात हो रही है, किसकी, ट्रिपल सुपर, 48% होता है, कितना, 48% होता है। सोल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, लोग समझ जाएंगे इसको, तो सोल मॉइस्चर की बात कर रहा है वो, ना कि सोल मॉइस्चर टेंशन की बात कर रहा है, अगर टेंशन की बात करता है सोल मॉइस्चर तो टेंशियोमीटर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत सोच रहे होंगे, लेकिन जो मेरे हिसाब से है, तो दोस्तों अगर इसमें सोल मोशन टेंशन लेता टेंशन मीटर हो जाता, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं दिया है,
लेकिन इसका आंसर तो लोग बी ही लगाएंगे क्योंकि इन्होंने कई सारी बुक्स में इसका आंसर बी दिया हुआ है। लेकिन अगर हाइड्रोमीटर, ये तो दोस्तों वाटर और लिक्विड को मापता है हाइड्रोमीटर, अगर यहाँ पर हाइग्रोमीटर होता तो वो क्या करता दोस्तों, वो इसको बताता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। तो वो हाइग्रोमीटर दोस्तों वो भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होता। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ टेंशन नहीं दिया है, टेंशन सोलमा से टेंशन नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा पच नहीं रहा है दोस्तों। और इसको देख लेना, सुंडा में इसका आंसर दिया है सही से पेज नंबर 67 पर। और अगर दोस्तों बहुत सारे मीटर हैं, जैसे इंपोर्टेंट मीटर्स के बारे में, मैनोमीटर है रूट प्रेशर के लिए यूज करते हैं दोस्तों, और गैल्वेनोमीटर है इलेक्ट्रिक में करंट के लिए करते हैं, पोरोमीटर स्टोमेटल बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, और पोटोमीटर जो होता है ट्रांसपिरेशन के लिए यूज करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें क्या है, क्रिस्कोग्राफ होता है। क्या होता है? क्रिस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट की यूज करते हैं, किसे? क्रिस्कोग्राफ के लिए। तो याद रखिए दोस्तों बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये मीटर्स, आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। हाउ मैनी सॉइल ऑर्डर्स फाउंड इन सॉइल टेक्सोनॉमी, तो दोस्तों 12 सॉइल ऑर्डर हैं पुराने, लेकिन शायद एक नया ऑर्डर जुड़ गया है, अभी 13 हो गए हैं। लेकिन ओल्ड बुक्स में अभी भी मोस्ट ऑफ बुक्स में 12 ही दिए हैं, लेकिन अगर आप इसको एमपी की दृष्टि देखोगे तो आप 12 के 13 नहीं लगाना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 12 ही लगाना है। एनोरेन फॉर इन रेनफेड फार्मिंग, तो दोस्तों हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल है, आप इस पर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मोर देन 800 mm होता है तो रेनफेड फार्मिंग हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब इज इन व्हाट वे रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ ट्यूब। दोस्तों आपने देखा होगा अगर ट्यूब चौड़ी होगी तो पानी कम ऊपर चढ़ेगा, और अगर वो संकरी होगी तो पानी ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। तो कैसे? इनवर्सली प्रोपेशनल है। कैसी? इनवर्सली प्रोपेशन में होता है, ये उल्टा है एक दूसरे के, तो इनवर्स बोलते हैं इसको दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम इज फर्स्ट अपियर्ड इन, सबको मालूम है एनपीके का लोअर एंड ओल्डर लीव्स होता है, तो वेरी सिंपल है। एट व्हाट क्रिटिकल स्टेज द वीट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एसेंशियल इन एमपी। तो दोस्तों आपको पता है एमपी क्या, दुनिया में कहीं भी हो क्राउन रूट इनिशिएशन जब अगर हो रहा है तो उसको इरिगेशन मस्ट होना चाहिए, देना चाहिए। तो ये इज द करेक्ट आंसर। टिलरिंग स्टेज पर दोस्तों हम फर्टिलाइजर की अप्लाई करते हैं, किस पर? टिलरिंग स्टेज पर। बाकी अगर हमारे पानी के पास अगर व्यस्त आए तो ज्वाइनिंग और फ्लोरिंग स्टेज पर हमको पानी देना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है वीट की। वीट पढ़ लीजिए अच्छे से। केराटोसिस के बारे में आप हमेशा पूछते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी होता है। केराटोसिस किससे होता है दोस्तों? जिंक की डेफिशिएंसी तो होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर दोस्तों। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम। लेकिन यहाँ पोटेशियम आंसर नहीं है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीफ इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द वाटर पोटेंशियल, किससे होता है दोस्तों? वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग, इथिलीन है। इसमें क्या डिस्कस करना है दोस्तों? ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? एपिकल डोमिनेंस है। जिब्रेलिन का क्या है दोस्तों? जिब्रेलिन का क्या है दोस्तों? इसका क्या है दोस्तों? सेल एलोंगिनेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? सेल एलोंगिनेशन। साइटोकाइन का सेल डिवीजन होता है, और जो दोस्तों मेल हैज ग्रोथ रिटार्डेंस होते हैं, एब्सिस कैसे क्या ऑक्सीजन होता है, पत्तियों गिराना। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर लॉस, तो दोस्तों जो स्टोमेटल से ट्रांसपिरेशन होता है उससे कितना परसेंट वाटर का लॉस होता है? तो मोस्ट ऑफ ये 80-90% वाटर लॉस होता है प्लांट से, इसी से होता है। किससे दोस्तों? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। और गटिशन से 10% होता है दोस्तों, और एक और होता है जिससे जिससे मात्र 1% होता है, 0.1% 1%। मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑकर्स एट द व्हाट टाइम, 10 बजे सबसे ज्यादा खुल जाते हैं दोस्तों, 10 बजे मैक्सिमम ओपन हो जाते हैं। कितने बजे दोस्तों? 10 बजे मैक्सिमम ओपन हो जाते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों 71 क्वेश्चन पर। तो
ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ लाइट, तो दोस्तों जब आपको मालूम है ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा रेड लाइट में होता है। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आप प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ सुंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए। तो ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ लाइट, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो बुक पढ़ लेते हैं इसमें। अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है तो सुंडा पढ़ लीजिए और उनका अध्ययन किरण स्टडी ऑफ कांटवा का ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ लाइट, तो रेड लाइट है दोस्तों, ग्रीन और लाइट में सबसे कम होता है, तो याद रखिए सबसे कम भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट कौन है, सभी हैं दोस्तों इसमें, कैसे हैं दोस्तों, सभी के कैसे हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट हैं, ए बी ए पी एम ए एस्पिरिन है, एस्पिरिन भी पावरफुल एंटी ट्रांसपेरेंट है, मीन्स ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ विच क्रॉप कवर्स मैक्सिमम एरिया इन एमपी, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सबसे नाम दोस्तों किसकी ग्रो करते हैं, वीट की ग्रो करते हैं, किसकी दोस्तों, वीट की ग्रो करते हैं, तो ये इज द करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी गेहूं की यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइब्रिड सीड, तो आपको मालूम है हम वीट में हाइब्रिड नहीं यूज करते, वीट में सिंपल वैरायटी यूज करते हैं, तो वीट में हम हाइब्रिड यूज नहीं करते हैं, तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों इंडियन जो IIPSPR कहां पर है, कानपुर में है, कहां पर दोस्तों, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ वीट इज, तो दोस्तों कर्चिया 65 है सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है, कैसी दोस्तों, सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फिंग जीन इन राइस, तो दोस्तों ये राइस की बात कर रहा है, किसकी दोस्तों, राइस की बात कर रहा है, तो राइस का कौन सा DGU जीन है, कौन सा दोस्तों, DGU जीन, तो राइस का सी आंसर है, नॉरेंटेन वीट का है, ओपेक मेज का है, ब्रेकी ब्रांचिटिक भी मेज का है, तो दोस्तों ओपेक एंड ब्रांचिटिक जो है मेज के हैं, तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, तो दोस्तों आर्नन एंड स्टॉट ने दिया था 1939 में, इसको कब दिया था 1939, ईयर भी पूछ लेते हैं, आर्नन एंड स्टॉट ने दिया था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी हाइब्रिड ब्रीडिंग पार्ट आ गया दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोजेनी पहला जनरेशन कौन सा होता है, अगर दो को क्रॉस कराते हैं तो M1 बनता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, अगर ये भी क्रॉस कराएंगे तो सी बनता है, सी क्या होता है, F1 का होता है, फर्स्ट प्रोजेनी होती है, तो इसको F1 इज द करेक्ट आंसर। फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सीड, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एक इनका पैटर्न होता है NBFC, तो न्यूट्रियल ब्रीडर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड, फाउंडेशन के बाद कुछ रजिस्टर सीट लिखते हैं फिर सर्टिफाइड लिखते हैं, लेकिन अपन चारों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इनके जो टैग कलर हैं, टैग कलर याद कर लिए दोस्तों, जो ब्रीडर सीट का येलो होता है, फाउंडेशन का वाइट होता है, और जो दोस्तों सर्टिफाइड का ब्लू होता है, रजिस्टर का पर्पल होता है। फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए, लिख लीजिए, पेन ले लीजिए, ब्रीडर सीट का येलो होता है, कैसा होता है, ब्रीडर सीट का येलो और ऑरेंज होता है, फाउंडेशन सीट का वाइट होता है, सर्टिफाइड सीट का ब्लू होता है, और रजिस्टर सीट का कैसा होता है, पर्पल। ये टैग कलर है दोस्तों, टैग लगे आते हैं, अगर कुछ रजिस्टर सीट है और अगर आपको उस पर्पल सीट टैग लगा है तो वो सही है। तो फाउंडेशन सीट किससे बनता है दोस्तों, ब्रीडर सीट बनेगा, BFC होता है NBFC, तो ब्रीडर सीट का क्या बनेगा दोस्तों, ब्रीडर सीट से क्या बनता है, फाउंडेशन सीट बनता है, तो इसको याद रखें, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी,
स्पेसिफिक कमांडिंग है दोस्तों, जनरल कमांडिंग नहीं है यहाँ पर। स्पेसिफिक कमांडिंग एबिलिटी ऑफ द पेरेंट शुड बी हाई इन ऑर्डर टू डेवलप। तो दोस्तों अगर हम कंपोजिट और सिंथेसाइज बनाते हैं तो जनरल कमांडिंग एबिलिटी देखते हैं कि भाई एक जगह को कर दिया और बन गया है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक करेक्टर चूज करते हैं उनकी कमांडिंग एबिलिटी देखते हैं तो हम हाइब्रिड को हाइब्रिड बनता है उससे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीड इज कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन अंडर द प्रॉपर कंडीशन। तो दोस्तों अगर कोई भी सीड होगा तो कब जर्मिनेट होगा, तो बायबल होगा। तो अब सीड विगर इंडेक्स है, सीड ग्रो टेस्ट है, सीड बायबल सीड है। तो दोस्तों ये सब फालतू की बात है, अगर वो बायबल ही नहीं होगा तो जर्मिनेट कहां से होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है पानी खींचने वाला, पानी सोखने वाला। तो यूरिया इज द करेक्ट आंसर। यूरिया देखो आप तुरंत डालते हैं तुरंत घुस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ बनाना। जो दोस्तों देखो बनाना का स्पेडिक्स होता है, पियर का कोरिम होता है, कैबेज का कैटकिन होता है, और जो लीफ वेजिटेबल होती है पाला कैमरन वर्नन का स्पाइक होता है। तो आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके मुझसे कोई पूछ सकता है, और बहुत बार कोरिम का कैटकिन स्पेडिक्स स्पाइक पूछे गए हैं। मैंगो इज जनरली प्रोपगेटेड बाय विच मेथड। तो दोस्तों मैंगो ग्राफ्टिंग होता है, और स्पेशली इसमें बिनर ग्राफ्टिंग होता है, और बडिंग जिसमें करते हैं रोज मसल करते हैं, कटिंग किस किस में करते हैं दोस्तों, फिग में करते हैं, पोमग्रेनेट में करते हैं, और लीडिंग गुआवा में करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीट विच हर्बिसाइड इज नॉट रिकमेंडेड। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीट, दोस्तों इसको वीड में नहीं पढ़ लेना, नहीं तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीट, गेहूं के जर्मिनेशन के बाद कौन सा जो है हर्बिसाइड हम रिकमेंडेड नहीं कर सकते। 2,4-DI पेंटामिथाइलिन आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोटीन लेना ग्लाइफोसेट है। तो दोस्तों ग्लाइफोसेट क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इस सबको मार देगा, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर वहां पर क्वेश्चन होता है कि आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ वीड विच हर्बिसाइड इज नॉट रिकमेंडेड, तो इसका दोस्तों पेंटामिथाइलिन भी हो जाता है, क्योंकि ये प्री इमरजेंट है, वीड के निकलने से पहले इसको अप्लाई किया जाता है। विच कंट्री इज बिगर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। तो दोस्तों चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, कौन सा, चाइना। और तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। 492 केजी ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों 100 केजी में 46 केजी निकलेगा, क्योंकि यूरिया 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम 200 केजी लेंगे तो 92 केजी हो जाएगा, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। 200 केजी हम यूरिया ले लेंगे तो इसमें 92 केजी नाइट्रोजन निकल जाएगा। दिस फ्रूट ट्री इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय मिली बग। तो दोस्तों इसमें तो आंसर ए दिया है, मैंगो, लेकिन मैंने आज तक सबसे ज्यादा जो प्रभावित प्लांट देखा है गावा का, कि जब मिलीबग का इन्फेस्टेशन होता है तो पूरी पत्तियां काली पड़ जाती हैं, शुरुआत में वाइट रहेंगी लेकिन बाद में सब काली पड़ जाती हैं, तो ये मैंने देखा है। तो करेक्ट आंसर तो इसमें इसके अनुसार मैंगो दिया है इन्होंने, लेकिन मैं मेरा आंसर गुआवा देना चाहूंगा। इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ट्री ऑफ फ्रूट गम रेजिंस इट इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसको अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर बोलते हैं, याद रखिए अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सबको मालूम है शिमला में है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ विच गैस इज मोर। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग किससे ज्यादा होता है, सब जाना था, CO2 से होता है, किससे होता है दोस्तों, CO2 से होता है, किससे, CO2 से होता है। नेम द इंप्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज फंक्शन। तो दोस्तों मल्टीपर्पज फंक्शन के लिए कौन सा इंप्लीमेंट यूज किया जाता है, कंट्री प्लॉग। किसको यूज करते हैं दोस्तों, कंट्री प्लॉग यूज करते हैं, किसको, कंट्री प्लॉग यूज करते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिज एंड फिगरो आर फ्रेम्ड विच विथ विच
फ्लो, तो दोस्तों जो रिज फ्लो होता है उसी से रिज फ्लो और बनेगा, बाकी पे ध्यान नहीं देना। सी टर्न व्हील फ्लो से नहीं बनता, एमवी फ्लो से भी नहीं बनता, रिज फ्लो से बनता है, बेसिन लेजर से भी नहीं बनता है। डिस्क एंगल ऑफ डिस्क इज, तो दोस्तों डिस्क एंगल कितना होता है डिस्क के लिए, 42 से 45 डिग्री होता है, कितना 42 से 45 डिग्री, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हीट इज स्टोर्ड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट, तो दोस्तों सबको मालूम है 12% मॉइस्चर पर व्हीट को स्टोर किया जाता है, बाकी वेजिटेबल को 8% पर स्टोर किया जाता है, और व्हीट को जो 20 से 30% मॉइस्चर, 20 से 25% मॉइस्चर पर हार्वेस्ट किया जाता है। हुज इन्वेंटेड ट्रैक्टर, तो दोस्तों ट्रैक्टर को किसने इन्वेंट किया था, फ्रोहेलिस्ट ने किया था, किसने, इज द करेक्ट आंसर, फ्रोहेलिस्ट ने किया था। नेक्स्ट द प्लो यूज्ड फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन इज, तो दोस्तों मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए कौन सा प्लो यूज हुआ है, तो दोस्तों चिजल प्लो, ये क्योंकि गहरी जुताई करता है तो इसलिए ये मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। विच क्रॉप प्रेजेंट प्रेजेंटली इज मोस्ट मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया, तो विच वन क्रॉप प्रेजेंटली मोस्ट मैकेनाइज्ड, तो वीट है मोस्ट मैकेनाइज्ड। दोस्तों आपको पता है कि सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हमको हाथ भी नहीं लगाना है, इसको मशीन से हम कर सकते हैं हैंडल। वाटर यूज इफिशियंसी इज हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ प्लांट, तो दोस्तों वाटर यूज इफिशियंसी मतलब सबसे कम पानी किसकी जरूरत होती है, कैम प्लांट, डेजर्ट के प्लांटों की जरूरत होती है। तो दोस्तों लास्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन हम रखे पर छोड़ना चाह रहे हैं कि सी प्रो प्लांट कौन से हैं, इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताइए। तब तक के लिए आपके लिए, आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।